हेलो फ्रेंड्स, नीतू का ढाबा यमिलेशस में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मटका कुल्फी। जी हाँ, ये मटका कुल्फी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही यमी है और बनाने में उतनी ही आसान है। तो आप मेरी ये रेसिपी देखिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो आइए जान लेते हैं मटका कुल्फी के इंग्रेडिएंट्स। हेलो फ्रेंड्स, नीतू का ढाबा यमिलेशस में आप सबका स्वागत है। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत इजी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, ठंडी ठंडी कूल कूल रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुल्फी। जी हाँ, कुल्फी बनाने जा रहे हैं। ये कुल्फी आप फास्ट में भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी इंग्रेडिएंट नहीं है जो फास्ट में नहीं खाया जाता है। और आप अब गर्मियां तो शुरू हो गई हैं, बच्चों की डिमांड रहती है हमेशा कुछ ठंडा चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छी बहुत ही इजी रेसिपी है। तो आइए जान लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी के लिए हमें चाहिए दूध। जी हाँ, दूध तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो दूध है, नियरली ये 1 लीटर दूध है जो मैंने उबलने रख दिया है। इसे हमें उबालते रहना है जब तक ये आधे से थोड़ा कम ना हो जाए। दूध के अलावा हमें चाहिए ये 8 से 9 चम्मच चीनी। ये खोया है, मावा जिसे हम कहते हैं, ये नियरली 150 ग्राम जितना हमें मावा चाहिए होगा। ये मैंने मिल्क पाउडर से बनाया है माइक्रोवेव में। मैंने इसकी रेसिपी पहले पोस्ट की, आप चाहे तो मेरे पुरानी रेसिपीज में, प्रीवियस रेसिपीज में जो है मेरे वीडियोज में, आप इसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए ये इलायची, 6-7 इलायची का हमें पाउडर चाहिए। और मैं यूज कर रही हूँ बादाम। जी, मैं सिर्फ बादाम यूज कर रही हूँ, लेकिन आप बादाम के अलावा अपने मन पसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। आप इसमें काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें पिस्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर। बस हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें ये दूध उबलने का वेट करना है और इसे रिड्यूस करना है। ये दूध उबलने लगा है और इसे आप लगातार चलाते रहिए बीच बीच में। फ्लेम बहुत स्लो मत कीजिएगा, मीडियम फ्लेम रखिए और इसे आप चलाते रहिए ताकि ये अच्छी तरह से चल जाए। तो फ्रेंड्स, देखिए ये जो दूध है ये उबल उबल के 1/3 रह गया है, आधे से ज्यादा ये उबल गया है। अब टाइम आता है इसमें ये खोया ऐड करने का। अब हम इसमें ये खोया ऐड करेंगे। हमने इसमें खोया ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, खोया मिला दिया और मैं इसको चला रही हूं। अब बारी आती है इसमें हमारी ये शुगर ऐड करने की। हम चीनी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ी देर और चलाएंगे। साथ ही हम इसमें हमारा ये जो इलायची पाउडर है ये भी ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं, उससे कलर भी काफी फर्क हो जाता है और केसर का वजह से ये कुल्फी और अच्छी लगती है। बस हम इसको थोड़ा सा और 5 मिनट और इसको पकाएंगे और फिर गैस ऑफ करके ठंडा होने देंगे। अब ये जो हमारे कुल्फी का दूध है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे हमारे मोल्ड में भरेंगे और फ्रीजर में ओवरनाइट रख देंगे।
अब हम ये जो दूध है इसको हम हमारे ये इस तरह से कुल्हड़ जो है उसमें डाल देंगे। इस तरह से हम कुल्हड़ को भर देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह जो मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं उनमें भी जमा सकते हैं, उसमें तो कुल्फी बहुत ही अच्छी लगती है। ये हमने इसमें इसको भर दिया है, ये देखिए। अब मैं इसमें ऊपर से ये जो बादाम है मैंने इनको काट के रखा है लंबा लंबा, ये मैं ऊपर से डाल दूंगी। और आप इसमें चाहे तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन से इसमें कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बस देखिए ये मैंने अब कुल्हड़ में डाल दिया है, अब ये डायरेक्ट जाएगा फ्रीजर में ओवरनाइट के लिए और फिर हम इसे ठंडा ठंडा खाएंगे। सो फ्रेंड्स देखिए हमारी ये कुल्फी बिल्कुल रेडी हो गई है, यमी यमी टेस्टी टेस्टी कुल्फी बिल्कुल मुंह में जाने के लिए तैयार। तो देख लेते हैं हम हमारी कुल्फी कैसी जमी है। ये देखिए ये है कुल्फी, बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। फास्ट में खाइए या वैसे खाइए, कभी भी खाइए, बट खाइए जरूर, बनाइए, खाइए और खिलाइए। मिलती हूँ अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।